कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ते हैं हम मिराज मलिक जी से, जो कि पहले 10 साल इन्होंने माँ सीता का रोल किया है, इस साल इन्होंने लक्ष्मण जी का रोल निभा रहे हैं। मिराज जी, स्वागत है आपका। कैसे आप इस राम जिला से जुड़े? जय श्री राम। मैं एक्चुअली पहले एक किला है, तो हम यहाँ पे छोटे होते खेला भी करते थे, तो एक्चुअली रामलीला चलती थी यहाँ पे तो उन दिनों में, तो मैं एक्चुअली खेल रहे थे यहाँ पे, तो डायरेक्टर जी की नज़र पड़ी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आया करो आप, तो वहीं से मेरा कंटिन्यू हो गया। तो जैसे इन 10-12 दिनों में 14 दिन में हर बिल्कुल शुद्धता रखनी पड़ती है जी, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक्चुअली, क्योंकि मैं पहले भी सीता माता जी का रोल करता था, तो मेरे को आदत है जो हम सोच रखते हैं, तो अब भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है सारा कुछ। आपको देखे देखे और भी बच्चे जो हैं साथ जुड़ते जा रहे हैं? हाँ जी हाँ, बच्चे आए हैं इस बार भी, 4-5 मुस्लिम बच्चे आए हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है आकर। बात करते हैं तरुण जी से। तरुण जी पिछले 18 साल से श्री राम का रोल निभा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सर, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में जी? मेरा नाम तरुण है, मैं यही मनीमाजरा में ही रहता हूँ, और मैं लास्ट 18 साल से राम जी का करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो जब मैंने पिछले अभी थोड़े दिनों में चला कि अरुण गोविल जी एक बाहर निकले थे, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है जी? ऐसा होता है, बहुत होता है, मतलब जैसे हम कभी शहर में आते हैं जाते हैं, बहुत से लोग उस श्रद्धा से हमें देखते हैं, पैरों को हाथ भी लगाते हैं, अच्छा फील होता है। बट राम जी के लिए जो कुछ भी जितना कुछ भी कहें उतना कम है, उनके जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। राम तो घटघट में है। तो आइए अब हम अन्य करेक्टर से ही बात करते हैं, जो कि अन्य कर रहे हैं अभी गौरव शर्मा जी हैं, जो कि इस बार हनुमान जी का। गौरव जी इस बार सुग्रीव जी का रोल निभा रहे हो, इससे पहले कई रोल निभा चुके हो? कई रोल निभा चुके हैं, हमने बांदी का रोल भी किया है, द्वारपाल का भी किया है, और मंत्री, मतलब छोटे रोल सभी किए हैं, तो कोई भी रोल दे दिया जाए कर लेते हैं। आप क्लब के पैसे सचिव भी हैं, साथ साथ वो भी संभालना पड़ता सारा कुछ, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करना पड़ता है सर? टाइम निकालना पड़ता है, तो सब मैनेज हो जाता है, राम जी की कृपा है, और राम जी करवा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है करने वाले। आज कौन कौन से जो है सीन किए गए? आज सबसे पहले विभीषण जी राम जी की शरण में आए, उसके बाद हमने अंगद जी को लंका में भेजा, और उसके बाद रावण अंगद संवाद हुआ, और उसके बाद रावण अहिरावण संवाद। आज मतलब आज अहिरावण तक ही चला? बिल्कुल। तो कल क्या रहेगा जी? कल पहला दृश्य जो सा होगा उसमें लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध, और उसके बाद लक्ष्मण मूर्छित, और उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को जीवित करेंगे, और उसके बाद फिर से लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होगा, और मेघनाथ वध होगा, और उसके बाद कुंभकर्ण वध, और उसके बाद अगले दिन दशहरा, जो कि हमारी अपनी स्टेज पे ही हम रावण वध होगा, और स्टेज पे ही राज तिलक किया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि सभी जितने मुख्य पात्र होते हैं उनको अपनी अपनी ड्रेस खुद दी जाती है, तो उसको संभालने में क्या क्या रहता है कि हर बार वो ड्रेस को संभालना बड़ा मुश्किल है? क्लब ने हमें ना एक अटैची प्रोवाइड करवाए थे, तो उन उसके अंदर हम अपनी ड्रेसेस वगैरह रखते हैं, हर साल उसको अच्छी तरह से तय वगैरह लगा के प्रेस वगैरह करवा के उसको रखते हैं, तो उसकी बहुत अच्छे से केयर हो जाती है, जिससे हमें नेक्स्ट ईयर उसे कैरी करने में और उसे कॉस्ट्यूम को दोबारा इजीली हम ड्राई क्लीन वगैरह करवा लेते हैं, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे माँ सीता के तो वेशभूषा जो साड़ियाँ थी, तो उसको संभालने में बड़ी दिक्कत आती है? नहीं, एक्चुअली मेरे को 2 लगेज प्रोवाइड करवाए गए थे क्लब की तरफ से, तो मेरा टोटली एक में वनवास, एक में अपना शाही, वो दोनों अलग में आ जाता था सूटकेस में। तो राम जी में भी तो ऐसे था कि उनको मतलब महाराज की ड्रेस और युवराज की ड्रेस अलग है। दो शाही ड्रेस भी है और बनवासी ड्रेस भी है, बट कैरी कर लेते हैं, मेरे पास बड़ा अटैच था। अच्छा, युवाओं जो कि युवा आजकल ड्रेस की ओर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे राम जी की ओर से कि जो युवा ये ड्रग की और यहाँ गंदी आदतों की ओर ना जाएं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, चाहे वो ड्रग्स हो या व्हाटएवर कुछ भी हो,
ये गलत चीजें हैं, इनमें जाकर आप अपनी जिंदगी खाना खाना है तो बिना प्याज के लहसुन के नीचे सोना है, पर स्त्री का परहेज करना पड़ता है, कोई ऐसी कोई मांस मदिरा कोई चीज का सेवन नहीं करना पड़ता। देखा हमने बात की जो पिछले 18 साल से श्री हनुमान जी का रोज बीमार है, उन्होंने बताया कि इन 10 दिनों में 12 दिनों में जब तक रामलीला का मंचन होता है उन्हें पूरी तरह परहेज रखना पड़ता है, अपने घर में रह के भी सन्यासी का रोग सन्यासी की तरह रहना पड़ता है। इसी प्रकार सभी पात्र भी जहाँ तक हो सके शुद्धता का करते हैं। आइए हम बात करते हैं अनिल कुमार मरजाना जी से, जो कि इस बार पहली बार जो है पुरुष किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्यादातर जो है महिला का किरदार ही निभाया। थोड़ा सा बताएंगे अनिल जी? हाँ जी सर, मैं इस कलम दिए जाट मैट्रिक कलम में 25 साल से जुड़ रखा हूँ। मैंने यहाँ पे जितने भी किए हैं आज तक लेडीज रोल ही किए हैं। सबसे पहले मैंने शर्पणी की माता का रोल प्ले किया है, उसके बाद फिर सीता माता की का रोल किया है, सीता की माँ का रोल किया है, उसके बाद फिर मैंने मंत्रा का रोल किया है, और 2 दिन पहले मैंने माता शबरी जी का रोल किया है जिसके जूठे बेर राम जी ने खाए हैं और अपने चरणों में लगन लगाई है। और मुझे आज पहली बार विभीषण जी का रोल दिया जा रहा है जिसको लंकापति रावण ने अपने दरबार से निकाल दिया है, और विभीषण जी को जब निकाल दिया है लज्जित करके तो श्री रामचंद्र जी ने उनको आसरा दिया है और उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि मैं इस लंका का दहन करके इस लंका को सब कुछ खत्म तहस नहस करके आपको लंका का राज सिंहासन दिलाऊंगा और आपको वहां का राजा बनाऊंगा। अच्छा, महिला किरदार से पुरुष किरदार ज़्यादा कठिन है या महिला किरदार करना? सर पुरुष तो का रोल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन महिला का रोल करना थोड़ा कठिन है, उसमें आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। मैं मंत्रा का रोल करता हूँ और शबरी माता का रोल करता हूँ। भगवान जी की इतनी कृपा है, दोनों रोलों को देखने के मेरे लिए दूर दूर से जनता आती है। तो हमारे क्लब के लोग भी जो चंडीगढ़ में प्रतियोगिता होती है उसमें भी जाते हैं? हाँ हाँ, उसमें भी जाते हैं और अपना पूरा जी जान से अपने पूरे रोल निभाते हैं। मेरे ख्याल आपके क्लब के रावण हैं सौरभ जी, सौरभ आचार्य, वो भी कई बार जीत चुके हैं। हाँ कई बार जीत चुके हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके हैं वो। हमारे जो पुराने उस्ताद जी हैं जो हमें डायरेक्टर हमारे सिखाते हैं उनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। एक कंपटीशन में सेकंड प्राइज भी हमारा दी आजाद मैट्रिक क्लब का आ चुका है। तो आप लोगों की ड्रेसिंग भी आप 10 दिनों में 12 दिनों में जब तक रामलीला का मंचन होता है पूरी तरह परहेज रखना पड़ता है, अपने घर में रह के भी सन्यासी का रोग सन्यासी की तरह रहना पड़ता है। इसी प्रकार सभी पात्र भी जहाँ तक हो सके शुद्धता का करते हैं। आइए हम बात करते हैं अनिल कुमार मरजाना जी से, जो कि इस बार पहली बार जो है पुरुष किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ज्यादातर जो है महिला का किरदार ही निभाया। थोड़ा सा बताएंगे अनिल जी? हाँ जी सर, मैं इस कलम दिए जाट मैट्रिक कलम में 25 साल से जुड़ रखा हूँ। मैंने यहाँ पे जितने भी किए हैं आज तक लेडीज रोल ही किए हैं। सबसे पहले मैंने शर्पणी की माता का रोल प्ले किया है, उसके बाद फिर सीता माता की का रोल किया है, सीता की माँ का रोल किया है, उसके बाद फिर मैंने मंत्रा का रोल किया है, और 2 दिन पहले मैंने माता शबरी जी का रोल किया है जिसके जूठे बेर राम जी ने खाए हैं और अपने चरणों में लगन लगाई है। और मुझे आज पहली बार विभीषण जी का रोल दिया जा रहा है जिसको लंकापति रावण ने अपने दरबार से निकाल दिया है, और विभीषण जी को जब निकाल दिया है लज्जित करके तो श्री रामचंद्र जी ने उनको आसरा दिया है और उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि मैं इस लंका का दहन करके इस लंका को सब कुछ खत्म तहस नहस करके आपको लंका का राज सिंहासन दिलाऊंगा और आपको वहाँ का राजा बनाऊंगा। अच्छा, महिला किरदार से पुरुष किरदार ज़्यादा कठिन है या महिला किरदार करना? सर पुरुष तो का रोल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन महिला का रोल करना थोड़ा कठिन है, उसमें आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। मैं मंत्रा का रोल करता हूँ और शबरी माता का रोल करता हूँ। भगवान जी की इतनी कृपा है, दोनों रोलों को देखने के मेरे लिए दूर दूर से जनता आती है। तो हमारे क्लब के लोग भी जो चंडीगढ़ में प्रतियोगिता होती है उसमें भी जाते हैं? हाँ हाँ, उसमें भी जाते हैं और अपना
पूरा जी जान से अपने पूरे रोल निभाते हैं। मेरे ख्याल आपके वो भी कई बार जीत चुके हैं। हाँ कई बार जीत चुके हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। हमारे जो पुराने उस्ताद जी हैं जो हमें ट्रैक्टर हमारे सिखाते हैं उनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। एक कंपटीशन में सेकंड प्राइज हमारा दी आजाद मैट्रिक क्लब का आ चुका है। तो आप लोगों की ड्रेसेस भी आप खुद संभालते हैं कि क्लब ही संभालते हैं? ड्रेसेस ऐसा है जो मेन पात्र है उनकी ड्रेस हम खुद संभालते हैं, जो और किरदार करते हैं ये हमारे स्टोर इंचार्ज हैं विजय पंडित जी, उनके उनके सब रेख देख में है कौन सी ड्रेस दिल्ली से नहीं ले आनी है। पुरुष किरदार ज़्यादा कठिन है या महिला किरदार? सर पुरुष तो का रोल तो कोई भी कर सकता है लेकिन महिला का रोल करना थोड़ा कठिन है, उसमें आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। आवाज़ भी बदलनी पड़ती है। मैं मंत्रा का रोल करता हूँ और शबरी माता का रोल करता हूँ। भगवान जी की इतनी कृपा है दोनों रोलों को देखने के मेरे लिए दूर दूर से जनता आती है। तो हमारी क्लब के लोग भी जो चंडीगढ़ में प्रतियोगिता होती है उसमें भी जाते हैं? हाँ हाँ उसमें भी जाते हैं और अपना पूरा जी जान से अपने पूरे रोल निभाते हैं। मेरे ख्याल आपके क्लब के जो भवन है सौरभ जी सौरभ बेचारे वो भी कई बार जीत चुके हैं? हाँ कई बार जीत चुके हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। हमारे जो पुराने उस्ताद जी हैं जो हमें ट्रैक्टर हमारे सिखाते हैं उनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। एक कंपटीशन में सेकंड प्राइज हमारा दी आजाद मैट्रिक क्लब का आ चुका है। तो आप लोगों की ड्रेसेस भी आप खुद संभालते हैं कि क्लब ही संभालते हैं? ड्रेसेस ऐसा है जो मेन पात्र है उनकी ड्रेस हम खुद संभालते हैं, जो और किरदार करते हैं ये हमारे स्टोर इंचार्ज हैं विजय पंडित जी, उनके उनके सब रेख देख में है कि कौन सी ड्रेस दिल्ली से नहीं ले आनी है कौन सी नहीं ले आनी है। उनके साइन होंगे तब ड्रेस जाएगी, अदरवाइज कोई ड्रेस नहीं आएगी। ड्रेसेस से मुझे एक चीज़ और समझ आई है, जैसे कि किसी भी पात्र के जो जेवर हैं वो बड़े मायने रखते हैं, हर जेवर को हर पात्र नहीं पहन सकता, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का? सर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक एक जो मोती और माला है बहुत महंगी आती है। ये हम मेन पात्र है जो उनको दे देते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है अभी आपने संभाल के रखनी है। और ये मेरी खुद ड्रेस मैंने अपने आप सिलवाई है और खुद जो श्रृंगार है पूरा अपना खुद बनवाया है। तो ये मुकुट भी आपने खुद तैयार करवाया थी? नहीं ये दिल्ली से आते हैं जी मुकुट, तो बहुत सुंदर मुकुट। हाँ जी ये दिल्ली से आते हैं बने बनाए, तो ये सिर्फ वहाँ का ही मुकुट है, बाकी सारी ड्रेस मैंने खुद अपने आप बनवाई है, खुद तैयार किए थे। बहुत अच्छे। तो देखिए किस प्रकार अपना जीवन भी पूरी तरह से रामलीला को समर्पित कर देते हैं ये कलाकार, जो कि अपने जीवन से लोगों को भी एक प्रेरित करते हैं कि सब चीजें छोड़कर धर्म के नाम पे जुड़ जाओ, सच के नाम पे जुड़ जाओ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।